स्टूडेंट्स ध्यान दें, आज का हमारा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट बी रहेगा। इसमें क्या करना है हम लोगों को, हमें हमारे रुधिर समूह यानी ब्लड ग्रुप की जांच करनी है कि हमारा खुद का ब्लड ग्रुप क्या है, कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, या ए बी है, या ओ है, और ए में भी ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन क्या है, मानव रक्त समूह की जांच कर नामांकित चित्र बनाते हुए रुधिर समूह की पहचान कीजिए, ये उद्देश्य में दिया जाएगा हमारे को क्वेश्चन में। जब लिखने बैठेंगे हम प्रैक्टिकल की कॉपी में तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट्स यानी आवश्यक सामग्री, उसके बाद प्रिंसिपल सिद्धांत, उसके बाद मेथड विधि, उसके बाद प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन, उसमें हमें डायग्राम भी बनाना है, क्या ऑब्जर्व किया हमने वो नोट करना है, साथ में रिजल्ट यानी निष्कर्ष, और फिर प्रिकॉशन, कोई एक सावधानी लिखनी है हम लोगों को। तो अब ये प्रैक्टिकल करना कैसे है इसका मेथड मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमें दो स्लाइड लेनी है, तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले दो स्लाइड लेनी है, दो स्लाइड ले लेंगे। एक स्लाइड के ऊपर मार्कर से हम लोग ए अंकित कर देंगे, उसी स्लाइड के दूसरे कॉर्नर की तरफ बी अंकित कर देंगे, और दूसरी स्लाइड पर हम लोग डी अंकित कर देंगे। इसके पश्चात क्या करना है, कॉटन लेकर, रुई लेकर, उसको अल्कोहल में भिगोकर और अपनी किसी एक उंगली को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, इसलिए कि वहां कोई बैक्टीरिया न रहे। उसके पश्चात नीडल लेकर, जैसे मेरे पास ये प्लास्टिक नीडल है, इसका प्लास्टिक कवर है, इसको मैं घुमाऊंगा तो नीडल निकल जाएगी इसमें से, उस नीडल को लेकर मुझे अपनी स्किन के अंदर यूं इंटर करवाना है नीडल को, ताकि वहां से कोई केशिका क्षतिग्रस्त हो जाए और उसके पश्चात वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाए, और जब एक बूंद प्रॉपर बन जाए तो एक पार्ट ए में, एक बूंद पार्ट बी में, और एक बूंद पार्ट डी में डाल देंगे। उसके बाद पार्ट ए में, जैसे यहां मैं पार्ट ए है लिख देता हूं, मैं पार्ट ए, माना ये पार्ट ए की बूंद है, ये बी पार्ट की बूंद है, और ये डी पार्ट की बूंद है, यहां ब्लड की बूंद है हमारे पास, एक ड्रॉप है। उसके पश्चात हम लोगों को एंटीबॉडी लेने, पार्ट ए की जो ड्रॉप है उसमें हमने एंटीबॉडी ए मिक्स कर देने, पार्ट बी की जो ड्रॉप है उसमें एंटीबॉडी बी मिक्स कर दे, और पार्ट डी की जो ब्लड की ड्रॉप है उसमें एंटीबॉडी डी मिक्स कर दें। अब देखो क्या होता है इसमें, जैसे ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने ब्लड भर लिया, इसको मैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखकर घुमाऊं कुछ देर, तो क्या होगा, इस ब्लड में से
जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं यानी ब्लड सेल्स हैं हमारे, वो नीचे पैंदे में बैठ जाएंगे, वो बारी है पैंदे में बैठ जाएंगे और उसके ऊपर जो लिक्विड बचेगा उस लिक्विड को बोलेंगे प्लाज्मा। यानी ब्लड के दो पार्ट हो गए हैं, एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनमें से जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी आरबीसी की मेम्ब्रेन्स के ऊपर पाए जाते हैं एंटीजन। जैसे मान लो ये ए एंटीजन है, मान लिया ये बी एंटीजन है, तो दुनिया में कुछ आदमी ऐसे होंगे जिनके अंदर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए होगा, कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिलेंगे जिनकी आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन बी होगा, और कुछ आदमी ऐसे भी मिलेंगे जिनमें दोनों मिलेंगे, एंटीजन ए बी और एंटीजन बी भी। और कुछ व्यक्ति मेरे जैसे ऐसे होंगे जिनके पास न एंटीजन ए है और न एंटीजन बी है। तो चार प्रकार के व्यक्ति हमें मिल जाएंगे। अब जिनकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए हो तो उनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, जिनकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी हो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, जिनकी आरबीसी की मेम्ब्रेन पर दोनों एंटीजन हो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, और जिनकी आरबीसी पर न ए है न बी है, दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। अब बात आती है कि ये ए बी ओ तो हो गए, अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव क्या है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव क्या है, ये क्या है। एक तीसरा एंटीजन और होता है आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर, तीसरा एंटीजन माना ये वाला है, इसको बोलते हैं आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन। जिनमें ये प्रेजेंट है तो उनके ब्लड ग्रुप पे पॉजिटिव, जिनमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट है उनको पॉजिटिव बोल देंगे, और जिनमें आरएच एंटीजन नहीं है तो वही नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव। अब इस टेस्ट ट्यूब को दोबारा हम लोग सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखकर और घुमाएं, तो नीचे पैंदे में मैंने कहा कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं, ऊपर जो प्लाज्मा बचा था उस प्लाज्मा में से एक प्रोटीन फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन को और सेपरेट कर दें हम लोग प्लाज्मा में से, तो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा कहलाता है सीरम। फाइब्रिनोजन को प्लाज्मा में से अलग निकाल दें, प्लाज्मा में चार प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन, उन चारों में से एक प्रोटीन फाइब्रिनोजन और बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, तो अब बचा हुआ प्लाज्मा क्या कहलाएगा सीरम, और इस सीरम के अंदर क्या पाए जाते हैं एंटीबॉडी, इस सीरम के अंदर क्या पाए जाते हैं एंटीबॉडी। जैसे ये मैं कोई हमारी ब्लड वेसल बना रहा हूं, इसमें माना ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ है, और हीमोग्लोबिन के साथ साथ आरबीसी की मेम्ब्रेन पे माना ए एंटीजन है और माना आरएच एंटीजन है, तो अब ये ब्लड ग्रुप हो गया ए पॉजिटिव, ए एंटीजन है इसलिए ए, आरएच भी है इसलिए ए पॉजिटिव, अगर आरएच नहीं होता तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको ए नेगेटिव। तो अब ये प्रैक्टिकल कैसे करना है इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको, कि ए वाली जगह हम लोगों ने एक ब्लड की बूंद लगा दी,
बी वाली जगह एक ब्लड की बूंद लगा दी और डी वाली जगह एक ब्लड की बूंद लगा दी। इसमें हमने एंटीबॉडी मिला दी है जो कि किसमें पाए जाते हैं, सीरम में। एंटीबॉडी मिला दी है ए, इसमें एंटीबॉडी बी, इसमें एंटीबॉडी डी। अब जब समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी हो जाएंगे, कि जैसा एंटीजन है वैसा ही एंटीबॉडी हो जाए, तो वहां ब्लड की क्लंपिंग हो जाएगी, रुधिर का सम्मोहन हो जाएगा, ब्लड की आरबीसी जो है वो गुच्छे बनाने लग जाएगी। मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी में आपस में रिएक्शन हो गई। तो सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी होते ही ब्लड क्लंपिंग हो जाएगी और उसी से हम निर्धारण कर लेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। जैसे माना ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है किसी का, यहां ए जो पार्ट है यहां क्लंपिंग हो गई है, दूध फट जाता है, जो दही बनने जा रहा होता है उस तरह से दिखने लग जाएगा। और इधर भी मान लो वही कंडीशन है कि यहां क्लंपिंग हो गई। अब यहां क्लंपिंग हुई, इसका मतलब यह तय हो रहा है कि एंटीबॉडी ए डालने से क्लंपिंग हुई है। इसका मतलब सामने जरूर एंटीजन ए मौजूद है, यह तय हो गया है। एंटीबॉडी ए डालने से क्लंपिंग हुई है, इसका मतलब जरूर इसके अंदर एंटीजन ए है। बी, एंटीबॉडी बी डालने से क्लंपिंग नहीं हुई, इसका मतलब सामने एंटीजन बी नहीं है। आरएस एंटीबॉडी डालने से क्लंपिंग हुई, इसका मतलब सामने आरएस एंटीजन प्रेजेंट है। तो आरएस एंटीजन है, इधर से ए एंटीजन है, तो ए पॉजिटिव बन गया है, तो ब्लड ग्रुप हो गया है क्या, ए पॉजिटिव। ऐसे ही मान लो इसमें भी क्लंपिंग हो जाती, इसमें भी क्लंपिंग हो जाती और इसमें भी क्लंपिंग हो जाती, इसका मतलब एंटीजन ए भी है, बी भी है और आरएच भी है, तो ए बी पॉजिटिव हो जाता है। अब जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, इसका मतलब न मेरे में ए एंटीजन है न मेरे में बी एंटीजन है, मतलब मेरी इस स्लाइड में किसी भी बूंद में क्लंपिंग नहीं होगी। और ओ पॉजिटिव है इसका मतलब आरएस एंटीजन है, वो आरएस एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेंगे और यहां क्लंपिंग हो जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट रहेगा आज का, और इसको अभी हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे। आप सब लोग यहां से मेटेरियल ले लेंगे और अपना अपना ब्लड ग्रुप है आप लोगों को आज जांच करना है, और किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, भेज ही सकते। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉटन लेंगे अल्कोहल से भीगी हुई और उसे उंगली पर यूं लगाकर उंगली को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे ताकि इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया न लगा हुआ हो, बैक्टीरिया लगा हुआ हो तो वो ख़त्म हो जाए। फिर इसको सुखा कर और एक नीडल लेंगे, हमें ब्लड की 3 ड्रॉप चाहिए, दो स्लाइड है हमारे पास जिसमें एक पर ए लिखा हुआ है, एक पर बी लिखा हुआ है और एक पर डी लिखा हुआ है। तो अब ए वाली जगह पर हम लोग एक बूंद ले लेंगे, ऐसे ही बी वाली जगह पर एक ड्रॉप ले लेंगे। इसको आप अपने तरीके से यूं करके सेंटर में और पी वाली जगह एक ड्रॉप, ऐसे ही जो ये आरएच लिखा हुआ है वहाँ एक ड्रॉप। ए वाले पार्ट में एंटीबॉडी ए मिला दिए हैं और बी वाले में एंटीबॉडी बी मिला दिए हैं
इसमें एंटीबॉडी डी मिला दी है और अब हम लोग देखेंगे कि किस में क्लंपिंग हो रही है और किस में नहीं। तो ये जिसमें एंटीबॉडी बी डाला था वहाँ क्लंपिंग हो गई है, ये क्लंपिंग दिख रही होगी आपको, जैसे दूध फट जाता है उस तरह से धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। और अब इसमें और चेक कर लें हम लोग, इसमें भी क्लंपिंग हो गई है, जैसे तो RH एंटीबॉडी डालने पर क्लंपिंग हो गई है, इसका मतलब सामने RH एंटीजन मौजूद है। बी डालने पर क्लंपिंग हो गई है, एंटीबॉडी बी डालने पर, मतलब सामने एंटीजन बी मौजूद है और इस तरफ कोई क्लंपिंग नहीं हुई है, कोई क्लंपिंग नहीं है, इसका मतलब एंटीजन ए नहीं है। बोलूँ तो चालू करना, तो देखो यहाँ ब्लड ड्रॉप ए ली, यहाँ बी ली, यहाँ डी ली, इसमें एंटीबॉडी ए मिलाए, इसमें एंटीबॉडी बी मिलाए, इसमें एंटीबॉडी डी यानी आरएच एंटीबॉडी मिक्स की। अब यहाँ ए में क्लंपिंग नहीं हुई, बी में क्लंपिंग हो गई, इसका मतलब सामने एंटीजन बी मौजूद है। और यहाँ भी क्लंपिंग हो गई है, इसका मतलब सामने आरएच एंटीजन मौजूद है। तो बी एंटीजन की वजह से बी ब्लड ग्रुप और आरएच एंटीजन की वजह से बी पॉजिटिव। अब रिजल्ट निकला है कि ये बी पॉजिटिव है। तो ये देखो, ये आरएच वाली स्लाइड है और यहाँ इस ओर देखेंगे हम, ये क्लंपिंग है इसमें पी वाले पार्ट में। अब बात करें, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता तो क्या होता, ए वाली साइड क्लंपिंग हो जाती, इसमें नहीं होती, और आर एच वाली साइड क्लंपिंग हो जाती जिसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए नेगेटिव होता तो क्या रहता, ए वाली साइड क्लंपिंग हो जाती, यहाँ नहीं होती, नेगेटिव है इसलिए यहाँ भी नहीं होती। ऐसे ही ए भी पॉजिटिव होता तो क्या रहता, यहाँ ए में क्लंपिंग हो जाती, बी में क्लंपिंग हो जाती और यहाँ आरएच में भी क्लंपिंग हो जाती। ए भी नेगेटिव होता तो क्या रहता, यहाँ भी क्लंपिंग हो जाती, यहाँ भी क्लंपिंग हो जाती और यहाँ क्लंपिंग नहीं होती। अगर ब्लड ओ पॉजिटिव होता तो क्या रहता, यहाँ क्लंपिंग ए में नहीं होती, बी में भी नहीं होती, पॉजिटिव है इसलिए यहाँ क्लंपिंग होती आरएच वाले में जिसको डी से लिख रहे हैं। ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता तो क्या रहता, ओ है मतलब न ए है न बी है और नेगेटिव है, इसका मतलब आरएच भी नहीं है, तीनों में से किसी में भी क्लंपिंग नहीं होती। बी पॉजिटिव जो अभी निकाला है हम लोगों ने, ये रहता, यहाँ क्लंपिंग नहीं हुई, यहाँ हो जाएगी क्लंपिंग, पॉजिटिव है इसलिए यहाँ भी क्लंपिंग होगी।
बी नेगेटिव होता तो क्या रहता? यहाँ क्लंपिंग नहीं ए वाले में, बी वाले में क्लंपिंग हो जाती और नेगेटिव है इसलिए आर एस वाले में क्लंपिंग नहीं होती। मतलब हमें इन तीनों में से जिसमें क्लंपिंग हुई है उसको नोट डाउन कर लेना है और उसके आधार पर हम हमारा ब्लड ग्रुप बता सकते हैं। अब जैसे ये स्लाइड है अपने पास, यहाँ ए में क्लंपिंग हो गई है और इस तरफ डी में क्लंपिंग हो गई है, मतलब ए एंटीजन है और आर एस एंटीजन है, इसलिए ब्लड ग्रुप हो गया ये ए पॉजिटिव। अब जैसे ये स्लाइड है, यहाँ ए में भी क्लंपिंग हो गई है, बी में भी क्लंपिंग हो गई है और डी में भी क्लंपिंग हो गई है, यानी यहाँ ए एंटीजन मौजूद है, यहाँ बी एंटीजन मौजूद है, यहाँ आर एस एंटीजन मौजूद है, इसकी पुष्टि हो रही है। तो ए बी पॉजिटिव। इस गुड़िया का नेगेटिव आया है ब्लड ग्रुप, इसलिए मैं इसको दोबारा चेक करने जा रहा हूँ। एक बूंद आराम से, ए एंटीबॉडी मिला दिया, डी एंटीबॉडी मिला दिया, एंटीबॉडी डी यानी आर एस एंटीबॉडी मिला दिया। ये नीडल थी आपकी, कॉटन कौन सा था? न तो ए एंटीजन है न ही बी है, इसलिए यहाँ से तो ये तय हो गया है कि ब्लड ग्रुप ओ है। इसमें भी क्लंपिंग नहीं हुई है, यहाँ भी क्लंपिंग नहीं हुई है, इसका मतलब नेगेटिव है। तो ये ब्लड ग्रुप आ गया है ओ नेगेटिव इस गुड़िया का। तो इसमें गर्भ रक्ताणु कोरकता वाली प्रॉब्लम इन फ्यूचर आ सकती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस।